हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पान मुखवास। पान मुखवास बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पान मुखवास बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें पान के पत्ते चाहिए। और ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे ये पान घर में ही ग्रो किया हुआ है एक पॉट के अंदर। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पान के कुछ पत्ते कट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कुछ देखिए लाइट ग्रीन पत्ते हैं, कुछ डार्क ग्रीन है। ये जो लाइट ग्रीन है ये अभी नए आए हैं, और जो काफी डार्क हो गए हैं ये सब, ये पुराने हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी कुछ पत्तों को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने 15 से 20 पान के पत्ते कट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से पहले पानी में इसको धो लेंगे, और फिर उसके बाद एक सॉफ्ट कपड़े से इसको पोंछ देंगे। तो ये देखिए हमारे पान के पत्ते धुल गए हैं। मैंने क्या किया था, धोने के बाद इन्हें एक सूखे सॉफ्ट कपड़े के साथ पोंछ लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो पान का पत्ता है उसका जो ये वाला हिस्सा है इसे हमें कट करना है। तो हम कैसे कट करेंगे, ये पान लिया, इसको हमने ऐसे फोल्ड किया और यहाँ से ये ऐसे कट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें सारे पान के पत्तों को कट करना है। ये देखिए जैसे यहाँ पे ऐसे, और ये फिर ये ऐसे। ये जो पीछे का हिस्सा है कट करने के बाद, अब हम क्या करेंगे, ये पान के पत्तों को इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे, एक साथ कम से कम 4-5 पत्ते रख के, और फिर हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऐसे दो जगह कट कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर से फोल्ड करके, और हम इसके यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से बहुत बारीक बारीक आपको कट करना है। ये देखिए हमारे सारे पान के जो पत्ते थे उसको मैंने कट कर दिया है। ये देखिए कितने बारीक कट किया है मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये सब चीज़ों को हमें इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ऐड करेंगे। ये क्या है पता है आपको, ये धना दाल है। ठीक है, तो ये धना दाल को हम इसके अंदर डालेंगे। ये सौंफ है, और ये जो सौंफ है ये देखिए काफ़ी बारीक है, तो हमें ये सौंफ इसमें ऐड करना है। ये टूटी फ्रूटी, अब हम ये टूटी फ्रूटी डालेंगे इसके अंदर। और ये सुपारी, और अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास गुलकंद है, गुलकंद को भी इसमें ऐड करेंगे। और अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। ये काफी अच्छे से मिक्स होना चाहिए। थोड़ा मिक्स करने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, अपने हाथों से एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो गुलकंद है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब हम इसमें पान मसाला डालेंगे। ये देखिए पान मसाला बहुत सारा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। और फिर अब हम एक बार और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और ये सारी चीजें आपको किसी भी पान की शॉप पे मिल जाएंगी। ये हमारा मुखवास रेडी हो गया है।
अब हम इसे किसी भी कांच के बर्तन में, किसी भी जार में इसको भर के आप रख सकते हैं, और इसे हमें फ्रिज में रखना है, ठीक है। जब आपको खाना हो तब आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो देखा ना आपने कितना आसान है ये मुखवास बनाना। ये मुखवास मैंने अपनी फ्रेंड की मम्मी से सीखा था, मैंने उनके घर खाया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने बनाया और आपके साथ शेयर किया।